हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। एटा होची हिट रो पार्ट टू वीडियो। फास्ट आम हिट रो इंट्रोडक्शन वीडियो देखी जो थे कि आम हिट कौन पढ़ते सहित टेम्परेचर कौन टेम्परेचर रेजरिंग केमी हुए से सब विषय पढ़ते तेल हिटा कौन आम पढ़ी प्रीवियस वीडियो रे हिट हूँ कौन गोटे फॉर्म ऑफ एनर्जी बा एनर्जी फॉर्म हूँ गोटे हिट जमती लाइट थिला लाइट भी हूँ एनर्जी गोटे फॉर्म सेमती हिट एनर्जी आउ गोटे फर्म हुईज फ्लोज फ्रम वन बडी टू अनादर बडी ड्यू टू डिफरेन्स इन टेम्परेचर बिटवीन द बडीज। ताले हिटा कौन हो गोटे बडी रु आउ गोटे बडी को फ्लो करुची बा ट्रांसफर होची। ताले केते बेले ट्रांसफर होची गोटे बडी रु आउ गोटे बडी को जेते बेले से दुटा बडी मध्यरे कौन हेथिबो डिफरेन्स इन टेम्परेचर टेम्परेचर रा डिफरेन्स थिबो दुटा बडी मध्यरे सेते बेले हिटा फ्लो करिवो। द अमाउंट ऑफ हिट कंटेन इन ए बडी डिपेंड्स अपन द मास ऑफ द बडी। ताले गोटे निर्दिष्ट बडी रे केते अमाउंट रा हिट अच्छी बा से बडीटा केते अमाउंट रा हिट कंटेन करिची सेटा का ऊपर डिपेंड करे सेटा मास ऑफ द बडी ऊपर डिपेंड करे से बडी रा मास ऊपर डिपेंड करे। ताले द अमाउंट ऑफ हिट कंटेन इन ए बडी डिपेंड्स अपन द मास ऑफ द बडी। गोटे निर्दिष्ट बडी आम जब देखा तेल ए बडीटा केते परिमाणर हिट कंटेन करा क्या उपर निर्भर कर डिपेंड कर ए बडीर मास उपर डिपेंड कर। इफ डब्ल्यू आर इज परफर्म एंड हिट प्रड्यूस्ड इज एच देन डब्ल्यू बाय एच इक्वल टू जूल। ताले हिट्र एसआई यूनिट कौन जूल सेमती वार्क रे जूल किंतु वार्क कौन थी वार्क जितेबले फोर्स आक्ट कर सेतेबले वार्क हम आम जान लीजिए हिट रसआई यूनिट है जूल वार्क जूल है तेल यूनिट तो एका तेल हिट जहाँ वार्क कौन से या? वार्क से नुहे वार्क हूँ कौन जितेबले फोर्स आक्ट कर गोटे आउटसाइड रु जितेबले गोटे फोर्स आक्ट करते आम जान लें वार्क है किंतु हिटा कौन हिट हम बिना वार्क रे बिना फोर्स रे ट्रांसफर हवाक कौन कहती हिट बोली कह ताले जोटी आमर फोर्स आक्ट कला आम कह बाह्य बल प्रयोग होला सेठी हम जानले वार्क हैला जार एसआई एकक हम बा एसआई यूनिट होची जूल सेमती हिट रे मध्य एसआई एकक होची जूल किंतु हिट रे कोनोसी बाह्य बल प्रयोग हबनी। एटी भी वार्क रे कोन हब गोटे स्थान रो आ गोटे स्थान को जीव किंतु हिट रे कोन हब केवल मॉलिक्यूल मध्य रे डिस्टर्बेंस हब। ताले डब्ल्यू बाय एच इक्वल टू जूल और W इक्वल टू जे एच व्वेयर जे इज कन्स्टांट कॉल्ड मेकानिकल इक्विवेलेंट ऑफ हिट इट्स वैल्यू इज 4.186 जूल कैलोरी। इट मीन्स इफ 4.186 जूल ऑफ वर्क इज परफॉर्म वन कैलोरी ऑफ हिट इज कंज्यूम। ताले एटी कौन कहगला आम एटी कौन जान ली वर्क आउ हिट मध्य रिलेसन जान ली ताले रिलेसन टा कौन जिते बड़े आमे 4.186 जूल रो कौन प्रयोग करिबा वर्क परफॉर्म करिबा सेते बेले केते हिट प्रोड्यूस होबो वन कैलोरी हिट प्रोड्यूस होबो। जदि आमे 4.186 जूल रो वर्क कले ताले आमठू वन कैलोरी हिट प्रोड्यूस होबो। ताले यूनिट्स ऑफ हिट कौन सीजीएस यूनिट ऑफ हिट होची कैलोरी। इट इज द अमाउंट ऑफ हिट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम प्योर वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ताले हिट रो सीजीएस यूनिट होची कैलोरी जोटा कौन एक ग्राम वाटर रो केते डिग्री टेम्परेचर बढ़ेबो 1 डिग्री सेल्सियस। ताले 1 ग्राम वाटर को वाटर रो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया पे आमको जेती की परिमाण रो हिट दरकार ताको आमे कोन कहिबा सीजीएस यूनिट बा 1 कैलोरी बोली कहिबा से हिट रो परिमाण होची 1 कैलोरी 1 कैलोरी हिट को प्रयोग कले आमे 1 ग्राम वाटर रो टेम्परेचर केते बढ़ी परिबा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ी परिबा कारण आम जानी टेम्परेचर राइज करियो माने हिट बढ़िबो टेम्परेचर कमियो माने हिट कमिबो। ताले एठी आमे जदि 1 ग्राम वाटर नबा से 1 ग्राम वाटर को जेते बेले आमे 1 ग्राम वाटर रो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेबा
ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯେତିକି ହିଟ୍ ଦରକାର ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, 1 କିଲୋରି ହିଟ୍ ବୋଲି କହିବା। ସେମିତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାଲୋରି କ'ଣ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ରେଜ୍ ଦ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଫ୍ 1 ଗ୍ରାମ୍ ପିଓର ୱାଟର ଫ୍ରମ୍ 14.5 ଡିଗ୍ରୀ ଟୁ 15.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାଲୋରି କ'ଣ, ଏହା ଅନୁସାରେ ବା ଏଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାଲୋରି ବା 1 କ୍ୟାଲୋରି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, 1 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାଲୋରି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ପିଓର ୱାଟର 1 ଗ୍ରାମ୍ ପିଓର ୱାଟରର ଟେମ୍ପରେଚର ଆମେ 14.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ 15.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାଲୋରି। ସେମିତି ଏଫପିଏସ୍ ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ, ବ୍ରିଟିଶ ଥର୍ମାଲ ୟୁନିଟ୍। ତାହେଲେ ଏଫପିଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା, ଫୁଟ୍ ପାଉଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଥର୍ମାଲ ୟୁନିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଏ ଯେଉଁ BHA BTSU, ବି ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ହେଲା, TH ମାନେ ଥର୍ମାଲ, ୟୁ ମାନେ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ରେଜ୍ ଦ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଫ୍ 1 ପାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପିଓର ୱାଟର ଥ୍ରୁ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଫ୍ୟାରେନହାଇଟ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି 1 ପାଉଣ୍ଡ ୱାଟରର ଟେମ୍ପରେଚରଟା 1 ଡିଗ୍ରୀ ଫ୍ୟାରେନହାଇଟ୍ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ହିଟ୍ ଦରକାର ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ, ତାକୁ ଆମେ FPS ୟୁନିଟ୍ରେ ମାପିବା ସେ ହିଟ୍ର ପରିମାଣକୁ। ତାହେଲେ ରିଲେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍, ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହିଟ୍ର ୟୁନିଟ୍ ଦେଖିଲେ, ଯେମିତିକି ବ୍ରିଟିଶ ଥର୍ମାଲ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା 1 ଥର୍ମାଲ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ଥର୍ମ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10^5 ବ୍ରିଟିଶ ଥର୍ମାଲ ୟୁନିଟ୍। 1 କ୍ୟାଲୋରି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4.186 ଜୁଲ୍, 1 ପାଉଣ୍ଡ କ୍ୟାଲୋରି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 453.6 କ୍ୟାଲୋରି। ଏସବୁ ଗଲା ଡିଫରେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ହିଟ୍। ତାପରେ ଆମେ ଟେମ୍ପରେଚର କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଟେମ୍ପରେଚର ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫିଜିକାଲ କଜ୍, ଟେମ୍ପରେଚର ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫିଜିକାଲ କଜ୍ ହୁଇଜ୍ ଡିସାଇଡ୍ସ ଦ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ହିଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ବଡି ଟୁ ଆନାଦର ବଡି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି, ଟେମ୍ପରେଚର ଆମକୁ କ'ଣ ଜଣାଉଛି, ହିଟ୍ଟା କେଉଁଠୁ କେଉଁଠିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ହିଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଟେମ୍ପରେଚର କମିଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ହିଟ୍ଟା କମୁଛି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏ ଟେମ୍ପରେଚରଟା କ'ଣ ଜଣାଉଛି, ହିଟ୍ଟା କେଉଁ ଦିଗରେ ଡିରେକ୍ସନରେ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଡିରେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ହିଟ୍ଟା କିଏ ଆମକୁ ଜଣାଉଛି, ଟେମ୍ପରେଚର ଜଣାଉଛି। ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ଅଲୱେଜ୍ ଫ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ବଡି ଆଟ୍ ହାୟର ଟେମ୍ପରେଚର ଟୁ ବଡି ଆଟ୍ ଲୋୟର ଟେମ୍ପରେଚର। ତାହେଲେ ହିଟ୍ଟା କେଉଁଠି କେଉଁଠିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୁଏ, ଯେଉଁ ବଡ଼ିର ହାୟର ଟେମ୍ପରେଚର ଥିବ, ହାୟର ଟେମ୍ପରେଚର ବଡ଼ିରୁ ଲୋୟର ଟେମ୍ପରେଚର ବଡ଼ିକୁ ହିଟ୍ଟା ଫ୍ଲୋ କରେ। ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପରେଚର, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଟେମ୍ପରେଚର କେଉଁଥିରେ ମାପୁ, ଥର୍ମୋମିଟର। ଦ ଡିଭାଇସ୍ ହୁଇଚ୍ ମେଜର୍ସ ଦ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଫ୍ ବଡି ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଥର୍ମୋମିଟର। ତାହେଲେ ଆମେ ଟେମ୍ପରେଚର ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ଥର୍ମୋମିଟର। ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ୟୁନିଟ୍ ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯେମିତିକି 4 ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସ୍କେଲ୍ ଥିଲା ଆମର, ସେଲସିୟସ୍, ଫାରେନହାଇଟ୍, ରିମର୍, କେଲଭିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ, ରାଙ୍କିନ୍। ଏସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ରିଲେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଡିଫରେନ୍ସ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍କେଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, 5ଟା ସ୍କେଲ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତା ମଧ୍ୟରେ ରିଲେସନ୍ କ'ଣ, ଯେମିତିକି ସେଲସିୟସ୍ -0/100 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ, ଫ୍ୟାରେନହାଇଟ୍ -32/180, ସେମିତି ରିମର୍ -0/80 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେଲଭିନ୍ -273/100, ଏଇଟା ହେଲା ରାଙ୍କିନ୍ -492/180। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ 5 ସ୍କେଲ୍ ଅଛି ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ରିଲେସନ୍। ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥିବ, ସେଲସିୟସ୍ ଦେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ 4ଟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିବା। ଏଇ ଟେମ୍ପରେଚର ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି, ଆମେ ଯଦି 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ ଦେଇଛି, ଆମେ ସେଇ ଟେମ୍ପରେଚରର ଫ୍ୟାରେନହାଇଟ୍ ବି ବାହାର କରିପାରିବା, ତା ସହିତ ରିମର୍, କେଲଭିନ୍ ଆଉ ରାଙ୍କିନ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ଆମକୁ ଜଣାଥିଲେ ଆମେ ଆଉ 4ଟା ବାହାର କରିପାରିବା। କନଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଡିଫରେନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ 1 ସ୍କେଲ୍ ଟୁ ଅଦର୍ ସ୍କେଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ଡିଫରେନ୍ସ, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କେଲ୍ ଆମେ 5ଟା ସ୍କେଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଟେମ୍ପରେଚର ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର କ'ଣ, କନଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଡିଫରେନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ 1 ସ୍କେଲ୍ ଟୁ ଅଦର୍ ସ୍କେଲ୍। ତାହେଲେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି, Δc/5 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ Δf/9, ସେମିତି Δr/4, Δk/5, Δra/9, ଏଇଟା ହେଉଛି
पांचटा स्केल मध्ये टेम्परेचर डिफरेन्स केते रहुचि सेल्सियस वाज इनिशियली नोन आज सेंटीग्रेड ताले आमे सेल्सियस को आउ कोन बोली जानि थै सेंटीग्रेड बोली मध्ये जानि थौ व्हाइल एक्सप्रेसिंग टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज डिग्री इज नॉट यूज्ड जेतेबेळे आमे केल्विन स्केल रे टेम्परेचर मापुचे सेतेबेळे डिग्री यूज करा जानि थै आउ जो चार्टा रहिला सेथिरे डिग्री यूज कराइ थै फ्रीजिंग पॉइंट एपी ऑफ मर्क्यूरी इज -39 डिग्री सेल्सियस हेंस टू मेजर टेम्परेचर बिलो दिस टेम्परेचर अल्कोहल थर्मोमीटर इज यूज एपी ऑफ अल्कोहल इज -115 डिग्री सेल्सियस ताले आमे साधारणत फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी केते -39 डिग्री सेल्सियस जेतेबेळे आमे थर्मोमीटर को आमे तले 39 डिग्री सेल्सियस को -39 डिग्री सेल्सियस को आनिबा ताले सेटा कोन हबो फ्रीजिंग बा कठिनरे परिणत हबो आमे जानिचे पारदटा होची बा मर्क्यूरी होची तरल धातु ताले यार फ्रीजिंग पॉइंट होची -39 डिग्री सेल्सियस जेतेबेळे एटा 39 डिग्री सेल्सियस कमी बार टेम्परेचर सेतेबेळे एटा फ्रीजिंग हबो बा एटा कठिनरे परिणत हबो तेणुकरि आमे एटा बेसिकली यूज करथाउ मर्क्यूरी की थर्मोमीटर रे बिलो दिस अल्कोहल थर्मोमीटर इज यूज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज -115 डिग्री सेल्सियस यदि आम किसी बहुत लो टेम्परेचर जमीक 100 डिग्री सेल्सियस हो तौक 39 डिग्री सेल्सियस तौक जो आमको टेम्परेचर मेजरमेंट करने को हम तो स्केल यूज करवा कारण 39 पर -40 डिग्री बेलू पारादर फ्रीजिंग होटा कठिन परिणत हो तेणु जितेबाला आम लो टेम्परेचर को मापाक हम आमको कौ कौन यूज करा पड़ा अल्कोहल कारण अल्कोहल फ्रीजिंग पॉइंट होची -115 डिग्री सेल्सियस रेंज ऑफ डिफरेंट थर्मोमीटर तले आमर जो डिफरेंट टाइप रो थर्मोमीटर अछि जेमती कि आमर आमो बॉडी रो टेम्परेचर मापिया पे आमे साधारणत मर्क्यूरी थर्मोमीटर यूज करथौ बा आमो थर्मोमीटर रे मर्क्यूरी थे एडा केतरु केते रेंज मधे अछि -30 डिग्री सेल्सियस रु 350 डिग्री सेल्सियस सेमती अलग जो टेम्परेचर अच्छी अलग जो थर्मोमीटर सब यूज होची कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर फ्रॉम -200 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस से कौन यूज होता है से हाइड्रोजन यूज हुए सेमती बिलो सेमती हीलियम हीलियम जो थर्मोमीटर यूज हुए से तार रेंज के -200 डिग्री सेल्सियस रु -260 डिग्री सेल्सियस जो थर्मोमीटर रे नाइट्रोजन गैस यूज हुए विथ नेंटू गैस एंड बल्ब ऑफ ग्लेस्ड प्रोसेलिन पोर्सेलिन ताले एटा जो एथरे जो नाइट्रोजन जो थर्मोमीटर रे यूज हुए से तार रेंज केते एभव 1000 डिग्री सेल्सियस अप टू 1600 डिग्री सेल्सियस ताले आमर जो थर्मोमीटर साधारणत सेथरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो यूज हुए जेमती कि आम बॉडी टेम्परेचर मापे आम मर्क्यूरी थर्मोमीटर यूज करूँ सेमती जिते बड़े आम टेम्परेचर बढ़िया हूँ कमी हूँ से डिफरेन्ट डिफरेन्ट थर्मोमीटर सब यूज हुए प्लाटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एयर रेंज के -200 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस सेमती थर्मोकपुल थर्मोमीटर एयर रेंज -200 डिग्री सेल्सियस टू 1600 डिग्री सेल्सियस ताले ए सब गला कण आमर टेम्परेचर विषय रे एबे मैं बढ़िबा आमर थिला तीनटा कॉज थिला हीटटा इफेक्ट ऑफ हीट आम यार तीनटा इफेक्ट पड़ते हीटर जमती थिला टेम्परेचर राइजेस विथ हीट हेडा में देखिले टेम्परेचर केमती राइज करुची हीटटा बढ़िले टेम्परेचर बढ़ुची हीट कमिले टेम्परेचर कमुची तबले सेकेंड इफेक्ट थिला हीटर हीट कजेस एक्सपेंशन ताले आज से एक्सपेंशन बढ़िबा हीटटा केमिती एक्सपेंशन क्रिएट करुची आमे जो मर्क्यूरी यूज करुचे थर्मोमीटर रे एक्चुअली से कौन होची जेते बेला टेम्परेचर राइज करुची थर्मोमीटर आमे आम बॉडी रे टेम्परेचर हाई होची जेते बेला आमे से थर्मोमीटर को आम बॉडी बॉडी सा कांटेक्ट रे आसुची से थर्मोमीटर सेते बेला कौन होची ए जो मर्क्यूरी थिला सेटा साधारणत जेते हाई टेम्परेचर होची सेटा एक्सपेंशन करुची से एक्सपेंशन करिवारु आमे जानि परु जेटे आम बॉडी रे टेम्परेचर केते हला तले एठी कौन उठुची साधारणत थर्मोमीटर टा जो मर्क्यूरी यूज होची थर्मोमीटर रे बा जे कोनोसी जिनस यूज हो थर्मोमीटर से कौन होची एक्सपेंशन घटुची
ताले हीट कजेस एक्सपेंशन ऑल सब्सटेंसेस हो इधर सॉलिड लिक्विड और गैसियस एक्सपैंड व्हेन दे आर हीटेड और कंट्रैक्ट व्हेन दे आर कोल्ड ताले सब पई सब रे एक्सपेंशन पई बा हीट टा एक्सपेंशन क्रिएट करे फास्ट देखिबा लीनियर एक्सपेंशन ताले लीनियर एक्सपेंशन कोन जतळे आमे गुटे रॉड धरिले बा रॉड रो लेंथ ला एबी एबी अछि एबी रॉड रो लेंथ होची एल इनिशियल लेंथ होची एल तबरे इनिशियल टेंपरेचर केते थिला टी थिला जतळे आमे से जो रॉड टाको हीट कले कोन हुए एक्सपेंशन घटिबो बा किछि लेंथ रो इंक्रीज होबो तले एठी डेल्टा एल होची एक्सपेंशन लेंथ ड्यू टू इंक्रीज ऑफ हीट जेतेबेले आमे गोटे कोनोसे जिंस को भी हीट कले हेडर एक्सपेंशन घटिबो आमे जेतेबेले गोटे रॉड रो बा आयरन रॉड रो मनकर आयरन रॉड नेबा ए रॉड को हीट प्रदान कले आरे एक्सपेंशन घटिबो आरे इनिशियल लेंथ ले आगुरु एल थिला आ टेंपरेचर टी थिला जेतेबेले आमे हीट प्रदान कले आरे लेंथ किछि बढिला डेल्टा एल बा स्मॉल एल डीएल बा डेल्टा एल लिखि परबा समते टेंपरेचर केते बढिला डेल्टा टी बा डीटी स्मॉल टेम्परेचर बढ़ेले अल्प परिमाण रो टेम्परेचर दबारु तर अल्प परिमाण रो लेंथ मध्ये बढ़िला तले एठी कोन होची एठी डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी हबो बा डीएल बा स्मॉल लेंथ जो एक्सपेंशन हला सेटा कहा ऊपर डिपेंड करिवो जति के परिमाण रो हमें हीट प्रदान करबा जदी हमें कम हीट प्रदान करबा तले कम लेंथ रे एक्सपेंशन हबो तले एठी कोन होची जो लेंथ इंक्रीज होची डेल्टा एल बा डीएल रो इंक्रीज होची जो स्मॉल लेंथ इंक्रीज होची बा एक्सपेंशन घटुची सेटा साधारणत जो हीट हमें प्रदान करूची जति के परिमाण रो ता ऊपर डिपेंड करूची बा डेल्टा एल बा डीएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी बा डीटी और डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हबो जत्ते बड़ो कोन हेतिबो लेंथ हेतिबो तार एक्सपेंशन सेते अधिक हबो ताले जदि हमें दीटा को कंसीडर करबा गोटे देखले डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी आ गोटे देखले डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ए दीटा को तले हमें कंसीडर करबा कोन पाइबा डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी इनटू एल ताले एठी हमें डेल्टा एल पाई गले आ गोटे रहउची कोन प्रोपोर्शनल रहउची जहा को हमें इक्वल रे परिणत करबा ताले इक्वल रे परिणत कले कोन हबो गोटे कांस्टेंट आसीबो गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज हबो ताले एठी होउची अल्फा होउची सेही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ताले जतले हमें डेल्टा एल हमें कोन पाइले डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी इनटू एल बा एल इनटू डेल्टा टी आकु जतले हमें एठु प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेबा बा प्रोपोर्शनलिटी हटेबा गोटे कांस्टेंट ऐड करबा जो कांस्टेंट एठी हला अल्फा ताले अल्फा एठी होची गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हियर अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ताले एठी अल्फा को हमें कोन कहिबा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लीनियर माने जो हमें किछ लेंथ रे इंक्रीज हला तक हमें लीनियर बोली कहिबा ताले अल्फा होची एठी कोन कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपेंशन इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ टेंपरेचर जते अधिक टेंपरेचर हमें प्रदान करबा सते अधिक कोन हबो एक्सपेंशन घटिबो से जो अल्फा रहिला ताको हमें कोन कहिले कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपेंशन तले इटे अल्फा बा अल्फा एल इक्वल टू केते हला इटी एटा गुणा हिजे एपड कसले हराय जिवो बा डेल्टा एल बाय एल इनटू डेल्टा टी एठी अल्फा सहित कौन गुणा है एल बाय डेल्टा टी एल इंटू डेल्टा टी गुणा होपट को आसे हराइ अल्फा इक्वल टू के डेल्टा एल बाय बा डीएल डीएल बाय एल इंटू डीटी बा स्मॉल लेंथ आउ स्मॉल टेम्परेचर जो इनक्रीज होता जदि एलटा वन मीटर है आउ डेल्टा डीटा वन यूनिट है अल्फार परिमाणटा के डेल्टा टी है वन यूनिट एल है वन यूनिट ताले एठी कोन हिजबो डेल्टा एल बाय 1 हिजबो बा अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल बाय 1 हबो 1 माने अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल ताले इठो हमें गुटे डेफिनेशन बाहर करि परबा अल्फा रो अल्फा इज इंक्रीज लेंथ लेंथ पर यूनिट राइजिंग टेंपरेचर ताले एठी अल्फा टा डेल्टा एल बाय डीएल सहित समान हेउची ताले एठी कोन हबो जो डेफिनेशन हम बाहर करबा अल्फा इज इंक्रीज लेंथ पर यूनिट लेंथ इटे हमें एल कौन धरले वन धरले जो हमें एल टा वन धरवा और टेम्परेचर इनक्रीज है ताको भी वन धरवा
सेठी अल्फाटा डेल्टा एल बा डीएल सहित समान हम डीएल आम कौन थी इनक्रीज लेंथ तेल अल्फा इज इनक्रीज लेंथ पर यूनिट लेंथ पर यूनिट यूनिट राइज इन टेम्परेचर यहाँ हूँ अल्फार डेफिनेशन है जो भी लेंथटा वन थी जो रड जहाँ भी आम धरीचे तार लेंथ जब वन थी और टेम्परेचर जो राइज है से जब वन यूनिट थी तेल अल्फाटा के जो लेंथ इनक्रीज है ता सहित सामान हम तेल यूनिट ऑफ अल्फा इज के सेल्सियस इनवर्स कारण लेंथ लेंथ कटिज एटी लेंथ रही कौन लेंथ मीटर एल भी मीटर ये दुटा यूनिट कटिज एक कौन रहा टेम्परेचर रहा टेम्परेचर यूनिट हो सेल्सियस जोटा हम सेल्सियस इनवर्स हम अल्फार यूनिट तले अल्फा पर स्टील केते आमे अल्फा कौन जान लें कोफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपेंशन तले ये जो स्टील पे अल्फा के हम 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेल्सियस इनवर्स सेमती कपर पर 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेल्सियस इनवर्स माने कौन ये आम गोटे मीटर स्टील नवा ता सहित टेम्परेचर के इनक्रीज करवा वन यूनिट तले स्टीलटा के एक्सपेंशन कर 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेल्सियस इनवर्स सेमती 1 मीटर कपर ता सहित जदि आम डेल्टा टी बा इनक्रीज टेम्परेचर के वन यूनिट तेल से अल्फार एक्सपेंशन के कपर एक्सपेंशन के 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेल्सियस इनवर्स तेल यहाँ गला लिनियर एक्सपेंशन जो लेंथ एक्सपेंशन घटू आसपर एरिया एक्सपेंशन मनकर गोटे आम सब्सटेंस धरले जार इनिशियल एरिया के सहित इनिशियल टेम्परेचर थी टी जिते आम से सब्सटेंस को हीट प्रदान कले के एरिया बढ़ुची डेल्टा ए बा डीए स्मॉल एरिया रो इनक्रीज है कौन पाई जो आम टेम्परेचर राइज कले डेल्टा टी इटी कौन हूँ इनक्रीज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा ए हूँ इनक्रीज इन एरिया ड्यू टू राइजेस ऑफ टेम्परेचर आ के टेम्परेचर आम राइजेस कले इनक्रीज ऑफ टेम्परेचर हूँ डेल्टा टी तले सेमती डेल्टा ए सेटा जमी थी आमर ए प्रोसेस जमी ए प्रोसेस भी सेमती हम जमी डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोफेशनल टू डेल्टा टी हम डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोफेशनल टू ए हम ए दुटा को आम कनसीडर कले कौन पाइबा डेल्टा ए इक्वाल टू बा डी ए इक्वाल टू के पाइबा ए इंटू डी टी बा डेल्टा टी तेल ये आम दे प्रोफेशनल हटेबा गोटे कन्स्टेंट आड करवा जो कन्स्टेंट हूँ बीटा तो डेल्टा ए इक्वाल टू के बीटा इंटू ए इंटू डेल्टा टी तेल बीटा को आम कौन कहवा कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन तेल बीटा आम यू बाहर कर केते हबो एपटे बीटा सह ए डेल्टा टी बा ए डी टी गुणा होता है एपटक आसले हरा हबो तले बीटा इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा टी तले आमे जदि ए को 1 मीटर स्क्वायर धरिबा 1 धरिबा सेमती डेल्टा टी को 1 धरिबा दुटा का यूनिट आकार धरिबा तले बीटा केते हबो डेल्टा ए सह समान हबो जेमती आमर सेठी थिला अल्फाटा डेल्टा एल सहित समान होता सेमती एठी मध्ये बीटाटा का समान हबो डेल्टा ए सहित सामान हम ये आम अल्फाटा क्या सामान होता डेल्टा एल सहित सामान होता है ये कौन हम बीटाटा डेल्टा ए सहित सामान हम तेल आम ये गोटे डेफिनेशन बाहर पार डेफिनेशनटा कौन हम सो बीटा इज कॉल्ड इनक्रीज इन एरिया पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर जो आम एरिया वन यूनिट टेम्परेचर दबा और जदि वन यूनिट एरिया एक्सपेंशन घटला ताले बीटाटा केते हबो इनक्रीज इन एरिया जेतिकी भी एरिया घट यूनिट जेतिकी भी कौन घटिबो एरिया रा एक्सपेंशन होइतबो सेटा बीटा से समान बा बीटा को हमें कौन कहिले एरिया एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन बोली कहिले ताले बीटा इक्वल टू डेल्टा ए हला जेतिकी परिमाण रा कौन होइतबो एरिया रा एक्सपेंशन घटिथिबो जेतबेले हमें एरिया को केते नबा 1 मीटर धरिबा आ राइज इन टेम्परेचर को 1 यूनिट धरिबा सेतबेले बीटाटा डेल्टा ए से समान हबो डेल्टा ए होची केते इनक्रीज इन एक्सपेंशन ऑफ एरिया ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर केते टेम्परेचर आम राइज करवा वन यूनिट केते बेले जेते बेले तार एरियाटा 1 मीटर स्क्वायर थिबो सेते बेले बीटाटा डेल्टा ए से समान हबो एबे देखिबा बीटा आउ अल्फा मधे कि रिलेशन अछि आमे बीटा को अल्फा रु मध्य डिराइव कर परिबा तले केमिति डिराइव करबा एडी अछि ए इक्वल टू एल स्क्वायर आमे जानिचे एरिया होछि कोन लेंथ स्क्वायर तले आम जान ले ए इक्वल टू एल स्क्वायर जदि आम ए दुटार
डेरिवेशन बाहर करवा तले केते हबो डेल्टा ए बा डी ए इक्वल टू केते बाहरिबो टू डीएल एडा बाहरिबो बा डेल्टा ए बा डी ए जोड़ा हमर कौन स्मॉल लेंथ डेरिवेशन माने कौन स्मॉल तले ए रा और एल स्क्वायर रा जतले हमें डेरिवेशन बाहर करबा डेल्टा ए बा डी ए इक्वल टू केते हबो टू एल डी एल तले डी एल हमें आगर कौन पाइथिले जते बेला हमें लीनियर एक्सपेंशन पढ़ुथिले कौन पाइथिले एल आल्फा डी टी एटी भी तारे यूज अच्छी ताले डेल्टा एल आम लिनियर एक्सपेंशन रे पाइले आठ आम कौन पाइले टू एल डीएल ताले ये जो डीएल जगह आम कौन पकई पार एल इंटू आल्फा डी टी ताले टू एल आउ ये डीएल जगह मुझे कौन पकईली ये जो आम लिनियर एक्सपेंशन जो पढ़ी थी डेल्टा एल्टा सेटा के डीएल के एल आल्फा डी टी ताले ये जगह डीएल जगह मुझे यहाँ पकईली तो आम पकईली कौन है ये टू एल स्क्वायर आल्फा डी टी है कौन है ए जगह में एल स्क्वायर पकेले एटी केमर एल स्क्वायर थी एल स्क्वायर बीटा डी टी है टू एल स्क्वायर आल्फा डी टी कारण ये जो डी एल जगह मुझे एल आल्फा डी टी जोटा आम लिनियर एक्सपेंशन में बाहर था यहाँ पकेली आ जगह मुझे एल स्क्वायर पकेली पकेल कौन है यू एल स्क्वायर कटिज आटी डी टी कटिज एल स्क्वायर को एल स्क्वायर कटला डीटी को डीटी कटिगला तार बीटा के बाहर आम टू आल्फा ताले ठी बीटार आल्फा सहित कि रिलेशन अच्छी आल्फार द्विगुण हो बीटा ये आम लिनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपेंशन आउ कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन रिलेशन बाहर कर पारे जदि आमको लिनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपेंशन जना अच्छी ताले आम से सब्सटेंस कोफिशिएंट ऑफ कौन बाहर कर पार एरिया एक्सपेंशन बाहर कर पार आम रिलेशन पढ़ीदे सेमती वॉल्यूम एक्सपेंशन थर्ड हूँ वॉल्यूम एक्सपेंशन इट इज सेमती जमी आम लेंथ आउ एरिया बाहर करले सेमती वॉल्यूम बाहर करवा तेल भी हूँ कौन इनिशियल वॉल्यूम टी हूँ इनिशियल टेम्परेचर आउ डेल्टा भी बा डी भी जोड़ा आम इनक्रीज है आम हिट प्रदान करने जो जो एक्सपेंशन घटू जो स्मॉल एक्सपेंशन घटू स्मॉल इनक्रीज घटू से कौन डेल्टा भी बा डी भी इनक्रीज वॉल्यूम ड्यू टू रेज इन टेम्परेचर सेमती डेल्टा टी बा डी टी हूँ कौन इनक्रीज इनक्रीज इन टेम्परेचर जी टेम्परेचर आम प्रदान कले जो स्मॉल अमाउंट टेम्परेचर आम प्रदान करुचे हियर सेमती सेम रिलेशन डेल्टा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी बा स्मॉल जो आम इनक्रीज हो एक्सपेंशन घटू स्मॉल अमाउंट वॉल्यूम रहा क्या सह प्रोपोर्शनल हम एटा बढ़ले ये बढ़े आम टेम्परेचर को बढ़ेगा से एक्सपेंशन वृद्धि घटे डेल्टा भी बा डी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी बा डी टी डेल्टा भी क्या समान हम क्या सह प्रोपोर्शनल हम और इनिशियल वॉल्यूम छ ये दुटा को जो आम कनसीडर करवा कौन पाइबा डेल्टा भी बा डी भी इक्वल टू ये दुटा को कौन करवा गुणवा बा डेल्टा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी इंटू भी ताले इटे आम प्रोपोर्शनल हटेबा गोटे कन्स्टांट आड हम जोड़ा हूँ गामा अल्फा बीटा गामा गामा हूँ कोफिशिएंट ऑफ कौन हम वॉल्यूम एक्सपेंशन ताले इटे सेमती गामा इक्वल टू कैसे बाहर ये भी डी टी डेल्टा टी गुणा ही एपटक आसा हर हम ताले गामा इक्वल टू डेल्टा भी बा डी भी बाई भी डेल्टा टी बा डी टी जो आम गोटे वॉल्यूम को केते धरिबा वन मीटर क्यू एक यूनिट धरिबा सेमती टेम्परेचर को राइज करिबा वन यूनिट वॉल्यूम नबा वन यूनिट इनिशियल वॉल्यूम को हमें वन यूनिट नबा और टेम्परेचर राइज करिबा वन यूनिट तले गामा का समान हम डेल्टा भी बा डी भी जितकी भी वॉल्यूम एक्सपेंशन घटू इनक्रीज घटू गामा समान हम ताले इटे हमें आउ गोटे डेफिनेशन पाइले सो गामा और अल्फा भी इज कॉल्ड इनक्रीज ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर जिते आम इनिशियल वॉल्यूम को वन यूनिट नबा आउ जो टेम्परेचर राइज होतेन यूनिट धरवा से गामा का समान हम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का समान हम डेल्टा भी बा डी भी जोड़ा आम इनक्रीज वॉल्यूम रहा समान हम ताले एठी मध्य आम गामा सह अल्फा रा रिलेशन अच्छी गामा कौन गामा को आम कौन बोली कहीपर अल्फा भी कहीपर ता गामा भी कहीपर डेल्टा बा अल्फा एल अल्फा एल हूँ कोफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपेंशन सेमती अल्फा ए को आम कौन कहीपर कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन अल्फा भी को आम कौन कहीपर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जहाँ आम कौन कहे अल्फा एल को अल्फा बोली कहे अल्फा ए को आम बीटा बोली धरचे अल्फा भी को आम कौन बोली धरचे गामा बोली धरचे ताले इटे गामा और अल्फा मध्य रिलेशन अच्छी जोड़ा आम जानचे कौन वॉल्यूम इक्वल टू एल क्यू जहाँ आम डेरिवेशन बाहर कले के हम डी भी इक्वल टू थ्री एल स्क्वायर डीएल ताले इटे कौन हो डीएल आम जानचे
फास्ट हमें लिनियर एक्सपेंशन रे यूज करजे बा बाहर जे हमरा dl इक्वल टू केते l इनटू अल्फा इनटू dt तले एठी हमें सेम दी फार्मूला पकेबा कोन dv इक्वल टू v इनटू गामा इनटू dt ए जो dv जगह रे हमें कोन पके परबा dv जगह रे हमें ए 3l स्क्वायर dl पकेले आ ए जो v गामा dt अछि त ए जो v हमर केते अछि l क्यूब v जगह रे l क्यूब पकेबा गामा dt भरला त सदा 3 3dl एठी कोन होइ जइबो l स्क्वायर इठी l क्यूब कटि गेले गोटे l एठी रहला एठी दिटा क l कटि जइबो एल क्यू मैंने तीन टा एल एल स्क्वायर मैंने दुटा एल एठ दुटा एल कटिगला गोटे एल रहा सहित थ्री डीएल आम कौन बाहर थ्री डीएल इक्वाल टू एल इंटु गामा डीटी तले थ्री एल गामा डीटी इक्वाल टू के हूँ एल लामडा डीटी होती कटिकी कौन बाहर डीटी को डीटी कटिला सहित कौन कटिला डीटी को डीटी कटिगला तो सहित एल कु एल मध्य कटिगला ये कौन बाहर गामा इक्वल टू थ्री अल्फा बाहर ताले थ्री अल्फा बाहर ये रिलेशन कौन बाहर ताले गामा इक्वल टू थ्री अल्फा माने जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होन गुण पकार थ्री टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपेंशन एटा थिला कौन आम थर्मल एक्सपेंशन जोटा हिट्रे कज थी सेकेंड कज थी हिट कजेस एक्सपेंशन आम देखिले एरिया एक्सपेंशन केमी घटव लिनियर एक्सपेंशन केमी घटव वॉल्यूम एक्सपेंशन केमी घटव।